बीएसपी की नगर सेवा विभाग द्वारा बीएसपी की जमीनों में वर्षों से किए गए कब्जे को खाली कराने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से कुछ क्षेत्रों में जमीनों को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। अभियान निरंतर जारी रहेगा। टाउनशिप क्षेत्र के अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ बीएसपी के नगर सेवा विभाग ने एक बार फिर से अवैध कब्जा हटाओ अभियान की शुरुआत बड़े पैमाने पर की है। अभियान की शुरुआत होते ही टाउनशिप के अनेक स्थानों में बीएसपी की करोड़ों रुपए की जमीन पर वर्षों से काबिज कब्जेधारियों को खदेड़ा जा चुका है। पुलिस प्रशासन और बीएसपी के अधिकारियों की उपस्थिति में कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बीएसपी की जमीनों में काबिज कब्जेधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कब्जेधारियों से जमीनों को खाली कराने के उपरांत बीएसपी के आवासों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों के मकानों को भी खाली करने कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसकी सूची नगर सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने तैयार कर ली है। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंशोर ने कहा कि वर्षों से बीएसपी की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जेधारी काबिज हैं। इसी तरह टाउनशिप क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में दुकानें और ठेले लगाकर लोगों द्वारा अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं लगातार मुख्य मार्ग में बढ़ी हैं। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर ने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये सच्चाई है कि आज शहर में आप जितने भी सड़कों पर जाएं, सड़कें कहीं ना कहीं घिरी होती हैं। बहुत दुख की बात यह है कि हमारे जो जनसामान्य लोग भी हैं, वो भी सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ा करके इन दुकानों सामान खरीदते हैं। हम लोग का ये मानना है, सेफी ओए की तरफ से हम लोग ने मैनेजमेंट को भी ज्ञापन दिया है कि रोड पर किसी भी जो भी सड़कें बनाई गई हैं, वो सड़कें आवागमन के लिए हैं, और आवागमन में किसी तरीके की कोई बाधा ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों से दूर व्यापार को करने की इजाज़त देना चाहिए। तो जहाँ भी सड़कें हैं, जहाँ लगता है कि एक मार्केट की बसाहट हो सकती है, भले वो अस्थाई हो, तो हम लोग ने वैसे भी कहा था कि वेंडिंग जोन बनाया जाए जो सड़कों से दूर हो, कम से कम सड़कों से 50 मीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर हो, ताकि गाड़ियाँ वहाँ पार भी हों और लोग अपना खरीदारी कर सकें। क्योंकि ये शहर की व्यवस्था रोड सड़क पर आ गई, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब सड़कों पर वाहन बढ़ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे गाड़ियां लोगों के पास बढ़ गई हैं, और उस व्यवस्था में आप देखेंगे सड़कें चौड़ी होने के बाद भी सड़कें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि सड़कों पर व्यापार चालू होता है। और ये जो भी जितने भी गुमटियाँ लगती हैं या ठेले लगते हैं, इसके कारण सड़क पर पार्किंग होने लगती है और एक दुर्व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ा हादसे बहुत सारे हुए हैं, कई लोगों को अपने प्राण इसमें निझावर करने पड़े। तो एक दुख की बात है कि सड़कों को हमको व्यवस्थित रखना है। भिलाई शुरू से ही अच्छा शहर रहा है, भिलाई में व्यवस्था हमेशा अच्छी रही है। तो ये पिछले कुछ समय से देखा गया कि किसी राजनीतिक प्रेशर में या कुछ लोगों के रहने के कारण ये मार्केट में, आप देखेंगे मार्केट में लोग नहीं कम जाते हैं, सड़कों पर ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने शुरू से ही अच्छे अच्छे मार्केट बसाए हैं। मार्केट के आसपास की जगह खाली है, तो वहाँ पर जो आपने कहा कि ये सच्चाई है कि जो लोग रोजगार जिनका छिन जाएगा, रोजगार नहीं छिनना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनकी जीविका वही है। तो उनको जगह देकर उनसे और लाइसेंस में, मैं इस पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले तो सड़कों की सुरक्षा जरूरी है जनसामान्य के लिए। एक व्यवस्था सुंदर होगी, स्वच्छ सुंदर भिलाई हम लोग कहते हैं, सुरक्षित भिलाई उसके साथ साथ होगा। लेकिन साथ साथ अगर जो लोग उनको आजीविका जिनकी चिंता हो रही है, तो उनके लिए एक हम लोग ने प्रबंधन से प्रयास किया है, कई बार प्रयास किया है, उस पर शायद वो काम कर भी रहे हों। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी जहाँ जगह हो, वेडिंग जोन में बनाया जाए, वेडिंग जोन में एक निर्धारित लाइसेंस फी ली जाए, किराया लिया जाए, अस्थाई हो। और लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिचौलिए हैं, ये जो दुकानें लगती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई होता है जो इसके पैसे इनसे पैसे लेता है। तो इन गरीबों को अगर अपना व्यापार करना है, तो बीएसपी के माध्यम से हो, एक वेडिंग जोन बनाकर उस जोन पर इनको काम करने दिया जाए, बनिस्पत सड़क पर ये काम करें और बिचौलियों का पैसा बढ़ता रहे। तो हम लोग ने आग्रह किया है बीएसपी प्रबंधन से ही, शासन प्रशासन से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि सड़कें हमारे आवागमन के लिए, उनको सुरक्षित रखा जाए। और आप देखेंगे कि जहाँ फल सब्जियाँ सड़क पर बिकते हैं, वहाँ जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो यत्र तत्र जो आप देखेंगे, जो ज़्यादातर हम लोग ने बरसात के समय देखा है, पूरे जानवर सड़क पर पाए जाते हैं। तो ये दुर्घटनाओं को बुलाते हैं। तो इस
इस जगह से हमको अगर समस्या का समाधान करना है तो सड़कों को चारों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक सड़क को आपने दे दिया, चाहे जितनी भी सड़कें हैं, चाहे सेंट्रल एवेन्यू हो, फॉरेस्ट एवेन्यू हो, और जितने मुख्य मार्ग हैं, किसी भी मार्ग पर इस तरह का जो भी वेटिंग जोन है हटा दिया जाए और उनको एक अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं बसाहट दी जाए, ताकि उनकी समस्या इस तरह के ठेलों पर जाकर सामान खरीदते हैं ना छोड़ दें उसे और किसी मार्केट में जाकर लें, ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से कायम हो सके। यही हम लोग का प्रयास है और इस पर प्रयास आगे जारी रखेंगे जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता। और जहाँ आपने कहा कि गुमटियाँ, जहाँ जहाँ भी गुमटियाँ बनी है, इसके पीछे कोई ना कोई रहा है और ये पक्की बात है इसमें कोई ना कोई बिचौलिया शामिल है। इस तरह की गुमटियाँ सड़क पर कभी नहीं आनी चाहिए और इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह, शासन पर आग्रह कि इस तरह गुमटियों को बढ़ावा ना दें, इनको हटाया जाए, शीघ्र ही हटाया जाए। और ये हमारा प्रयास है और इस पर हम लोग हमेशा बीएसपी प्रबंधन के साथ है। अगर वह इसके लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो भी प्रयास करेगा, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने कार्रवाई करते हुए टाउनशिप क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बीएसपी की जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया है। छोटे बड़े कब्जेधारियों से टाउनशिप को कब्जा मुक्त कराने अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।